50 किलोमीटर चलाने के बाद 10 मिनट का स्टॉप लिया, उसके बाद 75 किलोमीटर का स्टॉप लिया सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए। तो आधा घंटा मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ, अब अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ। 150 किलोमीटर यहाँ से बचा है, वक्त हो रहा है 2, और देखते हैं कि हम लोग कितनी जल्दी पहुँचते हैं। हालांकि धूप इस टाइम एकदम सर पे है मेरे, तो चलते हैं। जैसी जर्नी शुरू होती है वैसे वैसे आपसे आगे बातें भी करते रहेंगे। जब आप कानपुर नगर क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद फिर जो हाईवे आता है बहुत अच्छा हाईवे है, मतलब आपको ज़्यादातर हाईवे पे सन्नाटा रहेगा, ट्रैफिक मिलेगा नहीं। आप देख सकते हैं रोड बहुत प्यारी है, सीमेंटेड रोड है कानपुर नगर के बाद, तो उसकी वजह से जो है आपका स्पीड अच्छी हो जाती है। देखें एक बोर्ड आ रहा है, इटावा 75 किलोमीटर, 79 किलोमीटर इटावा बता रहा है, मतलब औरैया जब कानपुर नगर क्रॉस होता है तो उसके बाद औरैया लगता है, अकबरपुर लगता है, फिर औरैया लगता है। तो अकबरपुरी से बहुत अच्छा हाईवे रहता है, हालांकि कानपुर में भी है अच्छा, लेकिन थोड़ा जंपिंग है, हाईवे पे ट्रैफिक भी नहीं है लेकिन जंपिंग है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही स्मूथली चलती है, और यहाँ से 150 किलोमीटर है तो तकरीबन मुझे अगर मैं ब्रेक नहीं लूँगा और अगर हुआ तो बहुत मुश्किल से, अगर कहीं रिफ़्रेश थोड़ा होना होगा तो 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगा, वरना नहीं लूँगा, और डायरेक्ट मैं वहीं फिर आपके शहीद सालिस पे ही रुकूँगा। अभी तक जो मुझे कानपुर से अभी तक मुझे सिर्फ 2 ही टोल मिले हैं, आगे इटावा के बाद इटावा आगरा टोल रोड आ जाती है तो एक टोल वहाँ पे मिलता है। हालांकि मुझे टोल से तो कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग कार से आ रहे हों इधर से तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि 3 टोल पड़ते हैं लखनऊ से आगरा के बीच में। और रोड इतनी प्यारी है कि इसकी जगह जो इसके साथ साथ जो है सर्विस लेन भी है, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं सर्विस लेन अहेड, तो रोड के साथ साथ सर्विस लेन भी है और रोड बहुत प्यारी है अगर आप देखेंगे। और इस टाइम का जो मौसम है, आज 2 नवंबर है, कल है धनतेरस, तो मौसम भी बहुत प्यारा है। गर्मी मुझे इस टाइम हल्की सी लग रही है, हालांकि मैं जब घर से निकला था तो मैंने काफ़ी जैकेट पहन ली थी, तो मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन मैं जैकेट उतारूँगा नहीं, अब तो मैं यूँ ही कंटिन्यू गाड़ी चलाऊँगा। बाकी सीनरी आप लोग इन्जॉय करिए। वैसे एक बात है, अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देखिए तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली पब्लिक स्कूल भी निकल गया पीछे। मैंने ये स्कूल इतनी जगह देखा है, मैं आपको जब मैं बिजनौर गया था वहाँ मैंने देखा, मुजफ्फरनगर में देखा, इतनी ब्रांचें इस स्कूल की, बहुत अच्छी कमाई होगी। लेफ्ट ये आ गया है 3रा टोल, तो कान उन्नाव से पहले मुझे एक टोल पड़ा था, उसके बाद औरैया के पास मुझे एक टोल पड़ा, दूसरा 2 टोल हो गए, ये मुझे मिला 3रा टोल। अब टाइम तो इस वक्त हो रहा है 3:20, भाई मैं अपने मोबाइल में ही सामने देख के बता पाया आपको, क्योंकि आज मैं अपनी हैंड वॉच तो लाना भूल गया। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी शायद कोई टोल आए, मुझे ऐसा लगता नहीं है।
ये देखिए लेफ्ट हैंड पे जो सीन है, क्या प्यारे प्यारे पेड़, एकदम घने जंगल टाइप के दिख रहे हैं। ये इस तरीके के जो पेड़ आते हैं, शायद इनको लिप्टिस के पेड़ बोलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी जो धूप है वो मेरे सर पे है, अगर आप ये लेफ्ट हैंड पे मेरे देख पा रहे हैं, एक छोटा सा स्टैचू दिख रहा होगा आपको, वो शंकर भगवान की मूर्ति है। हालांकि कैमरा उतना अच्छा क्लियर नहीं कवर कर पा रहा है, लेकिन अच्छी है। और ये सीन देखिए आप, कितना प्यारा है, कैमरे में उतना साफ, और उतना साफ तो दिखता है लेकिन उतना एक वो जो फीलिंग्स होती है ना, जो आप अपनी आँखों से देखते हैं और जो कैमरे से देखते हैं, बहुत फ़र्क होता है। ये देखिए कितना साफ। तो भाइयों सीन ये है कि मैंने बीच में कैमरा बंद कर दिया था, अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4:15 और मैं आगरा में आ चुका हूँ। मैंने सोचा कि आप लोग आगरा देख लें मेरे साथ साथ। फिरोज़ाबाद के बाद मैंने कहीं भी स्टॉप नहीं लिया, वही औरैया से पहले लिया था, 150 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप चलाई। मैंने सोचा खाना भी मैंने नहीं खाया, मैंने सोचा घर पे चल कर खा लें, सॉरी वहाँ जाके खा लें खाना। अब यहाँ से मुझे सिर्फ 200 मीटर दिखा रहा है, तो इसका मतलब यही कि आस पास है। अच्छी बात ये है कि हाईवे के पास है, वहाँ 200 मीटर मुझे हल्का सा लेफ्ट को बोल रहा है, अब कह रहा है कि सीधे चले। भाई ट्रैफिक तो काफ़ी दिख रहा है, हाईवे के पास है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। दयाल बाग में है, थोड़ा सा आगे जाके मुझे बता रहा है कि आपको लेफ्ट लेना है। तो हाँ चौराहा, तो हाँ दिख गया मुझे चौराहा ये है, यहाँ से लेफ्ट लेना है। मुझे लगता है मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दिखा रहा है। यहाँ शहीद सालिस मज़ार कहाँ पे? कौन सा शहीद सालिस मज़ार? क्या दिखा रहा है? 400 मीटर बता रहा ड्राइवर। ड्राइवर भैया यहाँ पे शहीद सालिस मज़ार कहाँ पे है? शहीद सालिस मज़ार ये दयाल बाग मार्ग किधर है? दयाल बाग मार्ग किधर है? बस यहाँ से मुझे बस 10 मीटर दिखा रहा है, 10 मीटर बस पहुँच गया, मैं पहुँच गया। वो बोर्ड दिख रहा है मुझे, वो लेफ्ट हैंड पे बोर्ड दिख रहा है। ये आ गया हमारा शहीद सालिस बाज़ार, एकदम शहर में बना हुआ है, पहली बार देखा कोई रोज़ा एकदम शहर में। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो ये हम एंट्री कर चुके हैं शहीद सालिस रोज़े के सहन में। गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं। चलो भाई पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। 4:30 ये शार्प। ये देखिए आप शहीद सालिस मज़ार, माशाल्लाह। ये मतलब मेन हाईवे पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है,
ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। शहीद सालिस मज़ार बाग रोड आगे है, मार्केट है। दिवाली की वजह से रौनक ज्यादा है। चार तारीख से ना जी, मैं भी लखनऊ ही से आया हूँ। मैं सरफराज एरा अस्पताल के पास से। एक ये भी बहुत बड़ा शरफ की बात है कि मैं जब जून में जोगीपुरे गया था तो मैंने वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया आपको काफ़ी हद तक। अब मैंने जितना भी शहीद सालिस के बारे में पढ़ा है, इस मज़ार के बारे में पढ़ा है, तकरीबन 450 साल पुराना इसका इतिहास है, उसके भी बारे में मैं आपसे तफसीली तौर पर गुफ्तगू करूँगा। इसमें अगर आपने जोगीपुरे की हिस्ट्री वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैंने जितना भी पढ़ा है या जो भी मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको कुछ नॉलेज दे पाऊँ, तो वो मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, शहीद सालिस जिनको हम लोग शहीद सालिस कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, इनका असल नाम सैयद नूरुल्लाह इब्न शरीफ अल मरशी अल शुस्तरी था, जिनको काजी नूरुल्लाह शुस्तरी भी कहते हैं। इनका जो दौर था वो 1542 से 1610 का दौर था। असल में मुग़ल पीरियड में ये तीसरे शहीद थे। कहने का मतलब ये है कि इनसे पहले भी दो जो आलिम थे, जो शिया स्कॉलर थे, वो शहादत का दर्जा पा चुके थे। इन जब अकबर का दौर था तो इनको काजियुल कुजा का एक ओहदा दिया गया था। एक्चुअली काजियुल कुजा का मतलब ये होता है कि जो किंग होता है अपने एरिया का, जैसे अकबर थे, तो वो हर टाइम तो जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकते, हर टाइम तो वो फैसला नहीं कर सकते, तो वो अपने
ही जगह पर एक को अपॉइंट करते हैं जिसको सुप्रीम अथॉरिटी देते हैं। तो वो जो जस्टिस होता है, वो जो जज होता है, वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो है जस्टिस डिलीवर करता है लोगों में। तो इसीलिए इनको चीफ जज ऑफ सल्तनत कहा जाता था, मतलब उस टाइम के ये सल्तनत के चीफ जज थे। जैसे आज के टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है तो उसका जो चीफ जस्टिस है वो टॉप माना जाता है। तो उस अकबर के टाइम पे ये जो है चीफ जस्टिस थे। अब आप समझ सकते हैं इनका मर्तबा। इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 1956 में हुई थी शुस्तर, जो साउथ ऑफ ईरान है। और ये एक शव्वाल 1584, कुछ लोग कहते हैं 1587 एक शव्वाल को ये मशहद से इंडिया आ गए थे। और अकबर का जो मतलब काफ़ी जगह पे अकबर की हुकूमत थी, तो कश्मीर में भी उसके कुछ एरिया उसके कब्ज़े में थे। तो अकबर ने एज अ चीफ जस्टिस इनको जो है कश्मीर में भी भेजा था कि आप वहाँ पे जाके लोगों के डिस्प्यूट्स को अपने जजमेंट के थ्रू सॉर्ट आउट करिए। तो एक तरीके का जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रतिनिधि या दूत, वैसे ही अकबर का जब पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद जब जहांगीर पावर में आया, चूंकि ये चीफ जस्टिस थे और बहुत सारे इन्होंने डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किया था, तो बहुत सारे लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए, चाहे वो इन्होंने आगरा में जस्टिस डिलीवर किया हो या कश्मीर में। तो धीरे धीरे लोग इनके ख़िलाफ़ होते चले गए और जहांगीर तो वैसे भी इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है इनके ख़िलाफ़ था। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी एहकाकुल हक़, उस किताब को इस तरीके से पेश किया गया इनके ख़िलाफ़ एविडेंस बनाकर कि ये तो भाई मज़हब के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इनको जो है क्रूसीफाई किया जाए। इनको जो है हेरेटिक कहा जाने लगा। मतलब हेरेटिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा आदमी जिसके बारे में माना जाए कि वो जो रिलीजियस ब्रीफ कर रहा है कि वो जिस मज़हब पर वो मज़हब ही गलत है। तो इनको यहाँ तक ये कहा जाने लगा था कि आपका मज़हब गलत है। तो इसलिए इनको जहांगीर के टाइम में इनको सज़ा दे दी गई थी। तो इनके जो एसासिनेशन हुआ था उस पर एक फेमस किताब है पेशावर नाइट, मैंने भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था। तो उस पर इनका बहुत फेमस डिबेट हुई थी इनके एसासिनेशन पे। ये तकरीबन इन्होंने 50 से ऊपर किताबें लिखी हैं इस्लामिक साइंस पे। समझ सकते हैं कि आप क्या मर्तबा था इनका। और ये पूरे एशिया में या क्या पूरे वर्ल्ड में ये वन ऑफ द टॉप स्कॉलर्स थे जिन्होंने शिया मज़हब के डेवलपमेंट के लिए जो काम किए हैं वो शायद ही कोई कर। तो हम लोगों के लिए एक बहुत शर्फ की बात है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं ज़्यारत के लिए। और मैंने तो देखा है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और मैं तो आज जब 4:30 बजे यहाँ पर पहुँचा, तो मैंने जब आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि जब मैंने अपनी बाइक पार्क की थी तो वहाँ पर एक रेड कलर का स्वेटर पहने हुए एक साहब फ़ोन पे बात कर रहे थे। वो ऑफिस के शायद मैनेजर हैं थे। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, आप लोग जो है बाहर अगर टिक ना हो तो आप होटल में टिकिए। तो आपने बाहर का नज़ारा देख ही लिया है कितना कंजस्टेड है। और मैं तो अभी जब खाना खाने गया था 4:30 से 5 बजे के बीच में, तो मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉश एरिया है, तो वहाँ तो ऑलरेडी होटल सारे बुक हैं, तो मुझे तो होटल में रहना भी नहीं था। आप ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टेंट टाइप का लगा हुआ है, ये परसों से मजलिस है 4 तारीख से। तो इन लोगों ने यहाँ पर ये थोड़ा इंतज़ाम किया है कि जो ज़ायरीन आएंगे दूर से, जिनको पता नहीं है कि मजलिसें हैं, तो वो यहाँ पे टिकेंगे। इसका मैंने इनसे पूछा था तो ये कह रहे थे कि 300 रुपये जो है 4 दिन के हैं, तो मुझे तो यहाँ पे नहीं टिकना है। तो मेरा प्लान ये होगा कि आज मैं स्टे करूँगा यहीं इमाम बाड़े के बाहर, जो रोज़ा है मज़ार है उसके बाहर स्टे करूँगा। उसके बाद फिर मैं जो है कल इंशाल्लाह सुबह 7 से 7:30 बजे मैं निकल जाऊँगा बगरे के लिए। और बगरा यहाँ से 298 किलोमीटर है, तो मुझे तकरीबन रास्ता भी ख़राब है जो, तो मुझे तकरीबन 4 से 4:30 बच जाएगा बगरे पहुँचते में। और मेरा टारगेट है समाना, तो मैं कल रात इंशाल्लाह बगरे में गुजारूंगा, फिर परसों सुबह समाने के लिए जाऊंगा। ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।